ये देखिए कितना करके उठा रहा है, ये देखिए एक एक दो दो करके उठा रहा है, सारा उठाया। फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखिए अभी थोड़ा देर पहले नहीं बहुत देर पहले उठा था, सो के मैं अब सोचा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा कॉल स्टार्ट हो गया था कंपनी का, नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता शूट करना। जिशु कैसे सोया था वो दिखाना था, वो कैसे कैसे सोता है, मैं नेक्स्ट टाइम मैं दिखा दूंगा, या कल वाला ब्लॉग में अगर ऐसे सोएगा तो मैं दिखा दूंगा उसको। तो फिलहाल मैं जा तो अभी कहाँ हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दुकान में कुछ सामान लेने के लिए, फिलहाल चलता हूँ, उसके बाद आके बात करता हूँ। अभी ये दिखाता हूँ जिशु का मम्मी क्या कर रहे हैं, पोछा वाली काम कर रहे, थोड़ा देर पहले मेरा दिमाग खा रहा था, अभी काम कर रहे थोड़ा देर पहले मेरा दिमाग खराब कर रहा था, पता नहीं चलता सुबह सुबह उठे क्यों गुस्सा करता है। फिलहाल मैं फ्रेंड्स जाता हूँ लेके आता हूँ, उसके बाद आप लोग से आके बात करता हूँ। दुकान से आ गया हूँ, अभी मेरा वाइफ बना रहे चाय बना रहा है, तो मम्मी और पापा की गए रेड टी, हम लोग दूध वाला चाय पीते हैं। वो देखो ये देखिए नखरा मन को बहुत नखरा करते हैं, ये रहा चाय बना रहा है, देखिए चाय। ये दिशु का खाना डालिया, और ये मेरा वाइफ बना रहा है चाय अभी, तो अभी पियेंगे हम लोग चाय। और दिशु का दिशु तो बदमाशी करते रहता है पूरा, मम्मी ने बनाना बनाना तुम्हारा भालो लगे बोलो, फ्रेंड्स दीदा क्या नो मना कर दिया नहीं देंगे। तो फिलहाल मम्मी सुन रहे भगवान का गाना अब, क्योंकि पूजा दे रहे, तो चलिए पहले चाय बन लेते हैं, उसके बाद आप लोग से बात कर दो। फ्रेंड्स अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं चाय पीने, ये रहा रिशु, ये रिशु चाय खाची मतलब चाय पी रहा है, मेरा वाइफ बुकर ये रहा मैं, और मैं आपको दिखा तो आज का वेदर क्या मस्त हुआ है, थोड़ा बारिश बारिश हो रहा है थोड़ा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा। तो फिर चाय भी पीना है, सुबह से कुछ नहीं खाया, हल्का हल्का बारिश हो रहा है लेकिन वेदर अच्छा हुआ है आज, दो तीन दिन से बहुत गर्मी था, बारिश भी वैसा नहीं था, तो ठीक है मस्त वेदर है। मेरा हो गया चाय पीना कंप्लीट। तो फ्रेंड्स मैं जो आप लोग से कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा जो अभी मेरा जो ब्लॉग है वो डेली लाइफ के ऊपर है, डेली ब्लॉग है, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें भी आता है कि मैं बाहर में भी क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को वो दिखा नहीं पा रहा। क्यों नहीं दिखा पा रहा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपको बाहर का मैं सीन नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं घर में क्या कर रहा हूँ वो ही दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा लग रहा है, और इसलिए आप लोग को कुछ कुछ चीज़ आपको सिमिलर ही लग रहा होगा कि हर रोज़ एक जैसा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होगा कि, लेकिन किस लिए कि मैं तो जो करता हूँ हर रोज़ वही मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहता ही है। तो आ गया रिशु, ये वो सी करेगा, तो फिलहाल मैं आप लोग से बाद में करता हूँ, पहले करा देता हूँ रिशु को सुसु। मैं बोल रहा था सर वो जो पैकेट फटने के बाद ये सारा चावल गिर गया है, ये रहा मेरा वाइफ, और ये देखिए कितना सारा गिरा था, इसको मेरा वाइफ ने एक दो करके उठाया, अभी भी इतना सारा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रिशु बदमाशी स्टार्ट हो गया, ये देखिए देखिए कितना करके उठा रहा है, ये देखिए दो दो करके उठा रहा है सारा उठाया, एक एक दो दो करके चावल उठा रहा है। मैंने उसको बोला कुछ कपड़ा वपड़ा से एक जगह करके उठाने के लिए, बोला नहीं एक ही बार में सब उठाएगा क्योंकि आपका, तो फिर ये चावल में गंदा नहीं जाएगा, कुछ कचरा वचरा नहीं जाएगा, इसलिए उठाया, ऐसे उठा रहा है। देखिए रिशु का बदमाशी, देखिए कैसे क्या क्या करता है, अरे मैं चुप करके वीडियो कर रहा हूँ, नहीं तो उसको समझ समझ में आ गया उसको क्या करेगा, सो गया अभी। देखिए कितना नाटक मरता है ये लड़का, नाटक।
वो देखिए रिशु क्या करता है, देखिए मुंह देखिए इसका। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज रिशु कर रहा है ब्लॉग। ये देखिए रिशु ब्लॉग स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स तो अभी देखिए रिशु तो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, ब्लॉग हेलो फ्रेंड्स कर रहा है और ये आ गया फिर से इधर। वो देख आगे स्टार्ट हो गया, मम्मी कर रहा है दोपहर का खाने का तैयारी। ये रहा क्या बन रहा है, मैं वो तो आपको जब हम लोग करेंगे लंच उस टाइम में आप लोग को बताएंगे। पापा मोबाइल लेके बैठा है, ये रहा बदमाश। अभी रिशु को मम्मी को दिखा दो, ये रहा रिशु का मम्मी ढपला भूखकर, ये रहा मोबाइल लेके बैठा है। उसका मोबाइल का स्क्रीन तो खराब है, मैं बोला ना अभी तो पूरा खराब हो गया, देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए अभी रिशु का आ गया खाना सोयाबीन के साथ जो आज हम लोग का पका है। वो तो मैं हम लोग का खाने के टाइम आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये रहा रिशु, ये देखिए खा रहा है सोयाबीन, ये रहा रिशु का। और इसका मम्मी खिला रहा है अभी फिलहाल, लेकिन हम लोग का खाना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए रिशु का कंप्लीट हो गया है। ये रहा हम लोग का अभी भी पक रहा है खाना, ये रहा सोयाबीन। आप लोग को खाने के टाइम एक बार फिर रिवील कर दूंगा। ये रहा मिर्ची डाल रहा है मिर्ची। A few moments later. अभी हो गया दोपहर का, मतलब वो तो रिशु खा लिया, तो हम लोग का भी खाना वाना कंप्लीट, खाना वाना नहीं खाना बनाना कंप्लीट हो गया मम्मी का पूरा बुकर। और अभी मैं दिखाता हूँ क्या बना है। और एक चीज आपको दिखाऊंगा, आज बहुत दिन ब्लॉग मतलब बहुत ब्लॉग के बाद आपको रिशु को आज बिना सोए सो का मिलेगा। ये रहा ये देखिए आज नहीं सोया, वो बदमाशी कर रहा है बहुत हद से ज्यादा। तो मैं दिखाता हूँ मम्मी ने क्या क्या बनाया। देखिए पहले रिशु को दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बक 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 करता है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले इसने अपना खाना कंप्लीट किया, तो अभी भी वो खाने बैठा है फिर से। और ऐसा है कि बीच में बैठा है, कौन बैठे इधर किसी को बैठने नहीं देगा। तो क्या क्या बनाया मैं वो दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स पहले ये कुमड़ा शाक बोलता है इसको, कुमड़ा डोगा, तो उसका ये साग बनाया ना मम्मी ने कुमड़ा। तो और ये है वो मिक्स वेजिटेबल, और ये तब मैंने आप लोग को दिखाई दिया सोयाबीन का सब्जी, और ये तो वो मिक्स वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग खा लेते हैं, ये रहा भूखकर आ गया भूखकर, तो मजा से खा लेते हैं उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रिशु उठ गया है, देखिए मुंह देखिए इसका। तो हम लोग अभी टेरिस में आए, तो रिशु को मतलब हाँ दुकान बंद हो। तो रिशु को उठने के बाद शाम को देखिए मैंने बोलने देता है, तो उठने के बाद उसको टेरिस में आना ही है। तो मैं इसका मम्मी और ये हम लोग तीनों आए थे, तो इसका मम्मी गया अभी अंदर बाथरूम गया हुआ है। कुछ लोग सब बोल देते हैं अंदर का बाप बदमाश, और ये आके मुझे बोल रहा है हेलो फ्रेंड्स बोलना है, तो इसका मतलब स्टार्ट करो वीडियो। तो फ्रेंड मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, मैं उसमें बता दूंगा छोटी। देखिए अभी शाम हो गया, अभी सूरज भी ढल गया है, अभी तो धीरे धीरे लाइट भी जा रहा है, तो हम लोग भी अभी अंदर चला जाएंगे, उसका मम्मी थोड़ा आएगा उसके बाद। तो रिशु तो फिलहाल रिशु इतना आप लोग को देखना चाहता है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हम लोग को। अरे अरे तो फिलहाल हम लोग करते हैं थोड़ा मजा, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं शाम का चाय पीने के लिए, हम लोग आ गए हैं हाथ मुंह धो के अभी बैठे हैं, तो हम लोग चाय पी रहे हैं, और उसके साथ आज तो फ्राइडे है, तो इस हिसाब से हम लोग खा रहे हैं अभी जीरा। मम्मी ने तेल में फ्राई करके लाया, मुझे बहुत पसंद है, और उसमें चीनी डाल के बहुत टेस्ट लगता है। ये रहा मेरा वाला, ये और वो रिशु खा रहा है, सब मिलके खा रहा है। ये रहा बुकर बुकर, मुझे देखो यहाँ पर मम्मी है पापा है, सब मिलके खा रहे हैं। और फ्रेंड सॉरी बीच में हाथ आ गया था, तो फ्रेंड्स हुआ था कि मेरा मम्मी का हाथ में ही मतलब गरम एकदम चीरा हाथ में गिर गया था, तो मम्मी को भी काफ़ी चोट लाया है ये बनाने के टाइम। तो फिलहाल इसका मज़ा लेता हूँ, ये रहा
बहुत टेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खाने रात का खाना में खाने के टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, पेट फूल जाता है, खाया ही नहीं जाता है। तो फिलहाल खा लेते हैं, क्या इशू हो जाएगा, बुक कर पीछे भी जाता है, नहीं दिखाना चाहता, मैं तो दिखाऊंगा ही सबको मुझे बुक कर कैसे खाता है वो देखिए। Hours later. So friends, अभी हम लोग बैठा है खाने के लिए। मैं बीच में शूट नहीं कर पाया था, ये जो बदमाश लड़का है इसके वजह से, क्योंकि ये मोबाइल लेके बैठ गया, कार्टून देखना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या करूं, अभी मेरा ही एक फोन है जो अभी ठीक है, बाकी मेरा वाइफ का फोन तो गया काम से। तो फिलहाल हम लोग बैठा है रात का खाना खाने के लिए। अभी आज भी नहीं सोया, ये रोज अभी रात को सो लेट से सोता है, नहीं तो ये 10 बजे के अंदर सो ही जाता है। हाँ पहले, अभी नहीं सोता, अभी 11:30 बजा देता है। अभी अभी हम लोग का टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो रहा है, बहुत लेट हो गया। तो फ्रेंड्स फिलहाल खा लेता हूँ, भूख अच्छी नहीं लगा, मैं तब वो चीरा खाया था ना उससे पेट भर गया, उसके बाद पी लिया पानी और पेट फूल गया, अब पता नहीं कितना खा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ये रहा रिशु, रिशु फ्रेंड्स से टाटा दिसो, टाटा। तो फिर मिलते हैं नया ब्लॉग में नया कुछ लेकर।